बरसाने की लठमार होली तो पूरी दुनिया में मशहूर है, पर क्या आप जानते हैं कि अपने झारखंड के लोहरदगा में भी पत्थरमार होली खेली जाती है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह अलग बात है कि देश और दुनिया के लोग इसके बारे में कम ही जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यह परंपरा कब और कैसे शुरू हुई। लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड के तरूरा में होलिका दहन के बाद पत्थरमार होली खेलने की प्रथा है। इसे ढेलामार होली कहा जाता है। गांव के मंडप में जहां होलिका दहन होता है वहीं एक खूंटा भी गाड़ा जाता है। होली के दिन यहां पर गांव के लोग उस खूंटे को छूने के लिए रेस लगाते हैं। जब लोग खूंटे को छूने के लिए दौड़ते हैं तब आसपास मौजूद ग्रामीण उन पर पत्थर चलाते हैं ताकि वे खूंटे को न छू सके। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्थर बरसाए जाते हैं। आप सोचेंगे कि अगर लोगों पर पत्थर बरसाया जाए तो लोगों को चोट लगेगी और वे घायल भी होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जाता है कि इस खेल में आज तक किसी को चोट नहीं लगी, है ना आश्चर्यजनक। दरअसल इस प्रथा की शुरुआत गांव के दामाद के साथ मजाक करने के लिए हुई थी। गांव के नए दामाद होली के मौके पर जब अपने ससुराल आते थे तब उन्हें एक खेल के तहत खूंटा छूने के लिए दौड़ने को कहा जाता था, और जब वे दौड़ते थे तब गांव वाले होलिका दहन के अवशेष की ठोस चीजों से उन्हें मारते थे। धीरे धीरे इस दौड़ में गांव के कुछ लोग शामिल होने लगे और दहन का अवशेष कम पड़ने पर लोग पत्थर भी चलाने लगे, और अब तो पत्थर ही ज्यादा चलते हैं और दौड़ में गांव वाले ही ज्यादा रहते हैं। इस पारंपरिक आयोजन में हजारों की भीड़ उमड़ती है। पूरे जिले में इस अनोखी होली का महत्व है। इस दौरान आतिशबाजी भी होती है। IDTV रिचुअल सेगमेंट की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की दूसरी वीडियो के लिए बने रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।